गुड मॉर्निंग एवरीवन। विद्यार्थियों, आज अपना विषय है प्रबंध मैनेजमेंट और टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत पूरे प्रबंध का आधार होते हैं। प्रबंध में हेनरी फेयोल ने सबसे अधिक प्रिंसिपल प्रस्तुत किए हैं। हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। पहला सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन का सिद्धांत, इसे विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। राइट मैन राइट वर्क, ये इस मान्यता पर आधारित है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सारे कार्यों को कुशलता पूर्वक नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में कार्यों को उनकी रुचि अनुरूप उन्हें बांट दिया जाना चाहिए। सेकेंड सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। हमेशा अधिकार एवं दायित्व साथ साथ चलते हैं। फेयोल के अनुसार अधिकार आदेश देना एवं सम्मान प्राप्त करने की शक्ति है। अतः किसी भी संगठन उपक्रम में किसी कर्मचारी को दिए गए अधिकार एवं उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए, ताकि वह अपने अधिकार और दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन कर सके। थर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन कार्य के रुचि और दायित्व के प्रति जागरूकता का आधार है। प्रबंधकों के द्वारा अपने उपक्रम, अपने संगठन के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं, जैसे प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना, निष्पक्ष रूप से समझौते करना और पुरस्कार एवं दी जाने वाली सजाओं का न्यायिक क्रियान्वयन करना। फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता का सिद्धांत। किसी भी कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि एक समय में यदि कई अधिकारी एक व्यक्ति को आदेश देंगे तो वो किसी भी अधिकारी के आदेश की पालना नहीं कर पाएगा, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह जिस अधिकारी का आदेश प्राप्त करेगा वो उसके लिए पूर्ण करने में असफल रहेगा। तो इसलिए हमेशा किसी कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश की प्राप्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये बताता है कि समान उद्देश्य वाले कार्य के लिए समान योजना बनाई जानी चाहिए, वन हेड वन प्लान। इस मान्यता के आधार पर किसी भी समूह के लिए किसी एक अधिकारी के द्वारा एक ही योजना बनाई जानी चाहिए, ताकि वह उस योजना का समूह के द्वारा क्रियान्वयन किया जा सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हितों के स्थान पर सामान्य हितों को वरीयता प्रदान करना। यह सिद्धांत बताता है कि जब भी आवश्यकता हो संगठन के अंतर्गत कर्मचारियों के द्वारा अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर संस्था के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसा कि अभी अपन वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं कि सारे डॉक्टर्स, पुलिस डिपार्टमेंट एवं कई व्यक्ति अपने देश के हित के अंतर्गत अपने हितों को छोड़कर और अपने देश के यानी सामान्य हितों को वरीयता देने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन, पारिश्रमिक का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि किसी भी संगठन या उपक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं या उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अनुरूप उन्हें उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, संतोषजनक पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति या कर्मचारी अपने और अधिक रुचि अपनी निष्ठा से कार्यों को पूरा कर सके। रिमेनिंग जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है विद्यार्थियों, वो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। धन्यवाद।